मैं हूँ मयूरेश वाड़कर, आपका DID का मोगली चॉकलेट बॉय, और समया एंटरटेनमेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं अपनी लाइफ हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि मैंने डांसिंग कहाँ से चालू की। बचपन से ही डांसिंग चालू की मैंने, 21 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। डांसिंग करते हुए, सीखते हुए, कोरियोग्राफी करते हुए, परफॉर्मेंस करते हुए, अभी मैंने ABCD मूवी की थी, DID season 1 किया था, उसके बाद लिटिल मास्टर्स में एज अ कोरियोग्राफर था, बालाजी में मैंने 4 महीना एडिटिंग भी किया था DID से पहले, और उसके बाद डांस के सुपरस्टार, तो जितने भी DID के शोज़ थे उसमें मैंने परफॉर्मेंस दिए। अभी हाल ही में मैंने DID मॉम्स में मैंने परफॉर्मेंस दिया श्रद्धा के साथ, और ABCD में एक छोटा सा विलन का रोल था, तो बहुत ही अच्छा हुआ वो, सब लोग ने अप्रिशिएट किया मेरे काम को। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मूवी का, बहुत ही अच्छा ABCD मूवी का इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक्टिंग के साथ, कोरियोग्राफी के साथ एक अच्छा इंसान बनना और हम्बल रहना, डाउन टू अर्थ रहना, वो सीखे हम लोग। और मेरा ड्रीम था कि मैं एक्टर बनूँ, और पहली मूवी इतनी हिट गई ABCD एनीबडी कैन डांस, और उसी के साथ एनीबडी कैन डांस के हिसाब से बहुत सारे वर्कशॉप्स भी लिए मैंने, जगह जगह दूसरे सिटीज़ में जाके मैंने डांस सिखाया, और सबको ये बिलीव कराया कि एनीबडी कैन डांस, एक्चुअली एनीबडी कैन डांस। डांस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब भी हम लोग टेरेंस सर के कंपनी में, जब भी मैंने ग्रेजुएशन चल रहा था मेरा, टेरेंस सर की कंपनी से मैंने ग्रेजुएशन किया, टेरेंस लुबिस कंटेम्प्रेरी डांस ऑफ एकेडमी, वहाँ से जो मैंने ट्रेनिंग ली है, वहाँ पे हम लोग के एक इंस्ट्रक्टर आते थे, उन्होंने हमें बताया कि डांसिंग इज़ नथिंग, डांसिंग इज़ जस्ट वॉकिंग, डांसिंग यानी चलना है। तो उसको ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना लेते हुए आप खुले दिल से डांस करो, आप मन से डांस करो, यानी कि आप गणपति में डांस करते हो, आप शादियों में डांस करते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं जो हर कोई डांस करता है। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये था, इतना मज़ा आया था पूरी मूवी के शूट में, एक तो KK मेनन सर थे, उनके लिए तालियां बजती थी। उसके बाद जो मेरा फिनाले था, मतलब फाइनली जब भी मैं विलन बना, उस टाइम पे जब भी तालियां बजी, मतलब फर्स्ट मूवी और तालियां बजी लोगों के पास से, तो बहुत खुश था मैं। और तीसरा जो बंदा था वो पुनीत, और पूरी मूवी में लाइक थिएटर में जब भी हम लोग मूवी देखते थे, तो उस टाइम पे मतलब मैं ऐसा पहला विलन रहूँगा जिसको लोगों ने बोला कि वाह क्या चॉकलेट बॉय विलन है, और पप्पियाँ दी हैं मेरे गाल पे। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और विलन बनने के बावजूद भी, और इतना छोटा सा रोल होने के बावजूद भी, लाइक लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सराहा। तो आई थैंक्स टू ऑल दी ऑडियंस जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। थैंक यू वेरी मच।